The road is really, really risky. This is a really amazing place to visit. बहुत ही खतरनाक सर्दी में जा रहे हैं। कल फ्रीजर था, आज डीप फ्रीजर में जाएंगे। गाइस अभी अभी अपडेट मिला है कि And we will again do barbecue from the Gadwaha. So and we enjoyed a lot today in Ashu and some amazing and incredible places. This is a really amazing place to visit, but if you visit before January, जुनेद भाई कपून अडक का, बिलाल भाई मौसम सो भाई यार मौसम जरा चेक करिए आप लोग। ओहो बाहर कौन निकलेगा आज वो देख। गाइज वेलकम बैक। सो रेडी हो गए हैं, सिर्फ शूज़ नहीं पहने हमने, एहसान भाई भी रेडी होने वाले हैं, बस ऑलमोस्ट किधर गए ये रहा, वकास भाई भी बस आज पेंट शर्ट मार के निकल गए। हाँ वकास को बड़ी ठंड लग रही है और बाहर का सीन कुछ ऐसा है कि माशाल्लाह। हाँ और आज का इम्कान भी है स्नो का, तो देखते हैं अगर हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो नो प्रॉब्लम, हम अपनी चक्कर मार रहे हैं आगे जा रहे हैं। तो जीप वाले से बात हो गई है, बस जुनेद भाई रेडी हो रहे हैं, बस निकलते हैं फिर यहाँ से। लेकिन मेरे ख्याल से आगे स्नो स्टार्ट होगी क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त क्लाउड्स हैं उस तरफ। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ और आपको थोड़ा सा दिखाऊँ तो आप ये चेक करें, वहाँ पर अच्छे खासे क्लाउड्स हैं और हो सकता है कि वहाँ पे बर्फ़बारी हो। कि हमने एक शॉट डिसाइड किया था कि हम लेंगे, मतलब उस पीछे पहाड़ से सीधा ड्रोन आएगा यूं नीचे करके, फिर इस कमरे के दरवाजे से आएगा, फिर यहाँ इस खिड़की से निकलेगा और उस पहाड़ की तरफ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कह रहा है कि कोल्ड बहुत ज़्यादा है तो मुश्किल है ड्रोन का उड़ना, तो देखते हैं अगर आगे उड़ गए तो आपके साथ नज़ारे शेयर कर लेंगे, अगर ना हुआ तो इट विल बी अ बैड लक फॉर यू गाइस। सो बस जुनेद भाई निकल गए वॉशरूम से तो अभी निकलने की तैयारी। जुनेद भाई या वी आर रेडी टू गो, और बहुत ही ख़तरनाक सर्दी में जा रहे हैं, कल फ्रीज़र था आज डीप फ्रीज़र में जाएंगे। रियाज भाई गाड़ी रागले कम ही हो दे अकबर से शुआ सुरो पता ले देख स्पीकर रिश्ता का ना स्पीकर ही पकिश्ता सही बोला स्पीकर ही हाँ खबम बार तो सही है। ओके तो हो रही है हमारी पराड़ो, इसमें अभी हम जाएंगे ये कमरे से बाहर कर।
तो बस निकलते हैं थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम। वाओ, आज फिर हम वही फेवरेट जगह से गुजरे एंड आई एंजॉय अ लॉट। चलते चलते हम पहुंच गए फर्स्ट पॉइंट अशु और उशु। ज़्यादातर लोग इसको अशु भी कहते हैं और कुछ लोग इसको उशु भी कहते हैं। ये बड़ा पत्थर फ्रॉग जैसा जो है, कहते हैं कि इसका किसी को नहीं पता कि ये यहाँ कब से है और 2007 के सैलाब में ये हिला तक नहीं। यहाँ का मौसम भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पानी का बहाव सर्दियों में इससे कम नहीं होता और गर्मियों में पानी का बहाव इससे 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि आई लव टू कैप्चर नेचर, तो यहाँ भी कुछ चीज़ों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस जगह का अपना ही एक मज़ा है। आपको हर तरफ से पानी के बहाव की आवाज़ें आती हैं जो आपको तरोताज़ा कर देती हैं। चारों तरफ से बहुत ठंडी हवाएं भी लगती हैं जो आपको अच्छी तो लगेंगी बट इस मौसम में आपके स्किन के लिए मसला बना सकती हैं, तो इसलिए आपको अपने आप को कवर करना होता है। जा रहे हैं आगे की तरफ और हाँ
जुनेद भाई एंजॉय किए इस जगह को। वी आर बैक इन द कार, लेट्स गो। ओह माय गुडनेस, आशु के बाद का जो सफ़र है, यू गाइस कांट इमेजिन कितनी खूबसूरत जगह है, जन्नत है जन्नत। नाव 8-8 फीट की बर्फ हुए हमारे सर से ऊपर जा रही है। Enjoying it a lot. बस इतना कहना चाहूँगा, कलाम यू आर ब्यूटीफुल एंड योर ब्यूटी हैज़ नॉट ओनली टच टू माई सोल बट आल्सो मेक मी फील दैट आई शुड कम अगेन एंड इंशाल्लाह आई विल बी देयर फॉर श्योर। कबूतर जा, अरे हमारा कबूतर अब लेकर वापस आ गया। बहारो फूल बरसाओ, गाइज शूट हो गया यहाँ पे, पिक्चर्स वगैरह भी हो गई, चाय वगैरह भी हो गई। और अभी अभी क्या करेंगे? अभी बस निकलते हैं आगे की तरफ। आगे तो रास्ता बंद है, पीछे कुछ दो तीन जगह जो हमें पसंद आई है तो उसकी तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ इतना कुछ खास नहीं है, लेडीज हम प्रॉपर शूट भी नहीं कर सकते तो उस तरफ जाते हैं, क्योंकि 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 बिलाल भाई बहुत शाही पर्सन है और इसके लेडीज के सामने बस करो भाई और एक्टिंग का 50 रुपये काट दो। बस यहाँ कुछ इतना ख़ास था ही नहीं, तो रुके भी हम नहीं ज़्यादा और आगे रास्ते भी बंद थे बर्फबारी की वजह से। और मेरे माइंड में एक ही चीज़ घूम रही थी बार बार, वेट बताता हूँ कि क्या है वो। ये मेरा ड्रीम था कि एक दिन कलाम की कच्ची वादियों में जीप के ऊपर खड़े होकर अपने लिए ड्रोन के शॉट्स लूंगा। एंड गेस व्हाट, we did it, check it out.
बस भाई हमारे सारे शूट्स हो गए और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। और मैंने ज़िंदगी में इतना एंजॉय नहीं किया जितना मैंने आज एंजॉय किया यहाँ पे। और इस स्पेशल ट्रिप के लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ बिलाल भाई की। बिलाल भाई थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम ब्रो। जुनेद भाई थैंक यू ब्रो। और वकास भाई, ये हमारा स्पेशल टैलेंटेड बंदा है और आज रात ये एंटरटेन करेगा हम सब आराम रूपा से अपने बांसुरी से। Some amazing and incredible places of the Upper Kalam, and now we are heading back to towards the hotel. This is Mr. Wakas, that is Ehsan Anwar, and he's really a funny man. You would laugh when you met him. This is Bilal, the cinematographer of the event, the official cinematographer of the event. And this is our driver. The road is really, really risky. So we are heading back towards the hotel, and we will take Koila from the way, and we will again do barbecue from the Gadwaha. So, so we will enjoy, inshallah, the meal, the dinner, the special dinner is waiting for us. Pray for us that we reach our hotel safe and sound. This is a really amazing place to visit. But if you visit before January or before 10th of December, because after this roads will be off, this is the really the perfect time to visit, to enjoy the snow, plus you can visit some places. So this is the perfect timing. September, November 25 to 5 December. So our recommendation, we just hit the right timings, and I'm telling you to do the same. See you in the hotel. मैं चला गया होटल और वो फास्ट फूड लेने चले गए। रात को फिर वही बारबेक्यू किया और एक मूवी देखी और दिन सो गए। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।